मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हालात क्या है और इनको चाहिए इस पर अब तवज्जो दें। हमारे बहुत से दोस्त जो हैं जो ईरान के, उनको मेरी बात पे दुख होगा लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताने लगा हूं। कितने मिसाइल मारे उन्होंने कल? 400 मिसाइल मारे। कितने बंदे मरे? जीरो। ज्यादातर 95% के करीब उन मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे नहीं हुआ। आराम से उन्होंने हाथ वाथ झाड़े, उसके बाद सो गए जाके, ये कह के जी हमने अपना बदला ले लिया। क्या बदला लिया तुमने? तो हमारे मिसाइल्स की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो पेनिट्रेट कर जाए, वो उनके जो आयरन डोम है। तो सच्चाई है कि हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान के ऊपर बहुत प्रेशर था आयतुल्लाह खमेनी को कि उन्होंने कुछ तो करना था। याद रखें कि इजराइल अकेला नहीं है, ये पीछे अमेरिका बाधा है, बी वेरी क्लियर, सारा वो ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। और वैसे भी उन्होंने मान लिया है कि जो ईरानी मिसाइल आए थे उसको रोकने में यूएस नेवी के इंटरसेप्टर्स चल पड़े थे, तो वो उनकी पूरी इस वक्त मिली भगत है। हम नहीं मानते जुल्म के ये जाब्ते, मारा मारी शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, फुल टाइम गुस्सा। वो कह रहे हैं हम नहीं मानते जुल्म के ये जाब्ते, ये जंग जो है वो हो रही है इसराइल और ईरान के बीच, लेकिन थरथली पड़ गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में यहां तक कहा जा रहा है कि लो फिर आया जे गौरी। वो कह रहे हैं गौरी मिसाइल का रुख आप इसराइल की तरफ करें, उस तरफ कर दें। लोग ये रेकमेंड कर रहे हैं, ये सजेशंस दी जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जुलूस निकल रहे हैं, बल्कि मैं यहां पे बताना चाहूंगा कश्मीर के अंदर, इंडियन कश्मीर के अंदर जुलूस निकले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, कल जो पाकिस्तानी मीडिया सेलिब्रेट कर रहा था और बाकायदा खुशियां मना रहा था कि ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया और एक दो नहीं बल्कि 200 300 400 तक की मिसाइलें इजराइल पे मारने की खबर आ रही थी, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया यह सेलिब्रेट कर रहे थे ईरान ने अकेला इजराइल को ना कुछ चने चबा दिए हैं, इजराइल को बहुत सारे नुकसान हुए, न सिर्फ लोग बल्कि इजराइल के अंदर अमेरिकी तैयारी F-35 को भी डैमेज किया है ईरान ने अपनी मिसाइलों से इसराइल पे मार करके। लेकिन कहते हैं ना, झूठ और प्रोपेगेंडे के आधार पे बनी खुशियां ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। वैसे भी जब धर्म का मामला आ जाए तो पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन पाकिस्तान का वो प्रोपेगेंडा कि ईरान ने इसराइल पे हमला कर दिया है, उसका वांडा फूट गया है और ईरान के हमले की सच्चाई अब दुनिया के सामने नज़र आने लगी है, उसकी खबरें आने लगी हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी सब पकाए हुए हैं। कल हंस रहे थे, वो चुप्पी छाए हुए हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर बात कर रही है कि किस तरह से इसराइल की टेक्नोलॉजी ने ईरान के अधिकतर मिसाइलों को हवा में उड़ा दिए और उसके साथ ही साथ अब यह भी मान रहे हैं कोई ऐसा देश नहीं उस एरिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि इसराइल से टक्कर ले सके। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। हमारे बहुत से दोस्त जो हैं जो ईरान के हमनवा हैं, खैर खां हैं, उनको मेरी बात पे दुख होगा लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताने लगा हूँ। किसी के पास ऐसी फौज नहीं है जो इसराइल का मुकाबला कर सके, जो इसराइल के सामने खड़ी हो सके, वो चाहे लिबनान हो, वो चाहे सीरिया हो, वो चाहे यमन हो, वो चाहे फलस्तीन हो, इनमें से कोई ऐसा नहीं है। बाकी जो है वो उन्होंने हाथ मिला लिया उससे, और जो रह गए वो हाथ मिलाने को तैयार है। रह गए ईरान की फौजी ताकत, तो ठीक है वो नंबर्स में बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जिस मुल्क में एयरफोर्स ना हो और वो कोसों मील दूर बैठ के इसराइल को ये बताएगा कि हम तुम्हें तरनगू कर सकते हैं, हम तुम्हें फतह कर सकते हैं, तो बगैर चीफ ऑफ फोर्स के तो ऐसा कर नहीं सकते। दो किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं ईरान के पास, एक ड्रोन है और दूसरा मिसाइल है। फिर कितने मिसाइल मारे उन्होंने कल? 400 मिसाइल्स मारे। कितने बंदे मरे? जीरो। आराम से उन्होंने हाथ वाथ झाड़े, उसके बाद सो गए जाके, ये कह के जी हमने अपना बदला ले लिया। क्या बदला लिया तुमने? तुमने को कंक्रीट के स्लैबों को मारकर, तुमने कोई किसी एक सड़क के ऊपर गिराकर, तुमने ये समझा कि हमने अपना बदला ले लिया? तो तुम्हारे मिसाइल्स की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो पेनिट्रेट कर जाएं, वो उनके जो आयरन डोम है। लेकिन पूरी इस्लामी दुनिया को नेतन्याहू ने तमाचा मारा मुंह पे। उसने कहा है कि तुम कमजोर हो, उसने कहा है कि तुम्हें नहीं छोड़ना, और वो नहीं छोड़े। कितनी आबादी होगी इसराइल की? 4 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन, इससे ज्यादा तो नहीं। हम कितने हैं? 2 बिलियन। और हम कहाँ खड़े हैं? भागते फिर रहे। हम, हमारे पास बहाना क्या है कि जी उसको अमेरिका की हेल्प है, उसको बरतानिया की हेल्प है, उसको फलां की हेल्प है। अरे हेल्प छोड़ दो, दिल है लड़ने का उनमें, ये मानो मानो अगर तुम्हारा दुश्मन दलेर है। हमारे तो 2 बिलियन की फौज है, हम में हौसला है लड़ने का? हम तो 6 घंटे हमारी बत्ती चली जाए तो हमारा मत मरी जाती है, हम तो खड़े नहीं हो सकते। क्योंकि जब आप खुद अंदर से लड़ रहे होंगे, बाहर वाले को करना क्या?
वो जो मुक्ति बानी ने किया था हमारे साथ, वो जो मुजीब बानी ने किया था हमारे साथ, कि आगे हम फलां को लड़ रहे हैं, पीछे हमारे अपने जो हैं वो हमारी कमर में छुरी मार रहे हैं, तो वो देख लें हाल उनका, खुद से नहीं हो सकती है, ये भी याद रखें। आज भी अगर हमें होश ना आया, कभी हसन नसरुल्लाह शहीद हो रहा है, कभी इस्माइल हानिया शहीद हो रहे हैं, पूरी इस्लामी दुनिया को नेतन्याहू ने तमाचा मारा हुआ है, और उसने कहा है कि तुम बेशर्म हो, उसने कहा है कि तुम कमजोर हो। मशा साहब, हमारे यहाँ वो जो इसके वो तशवीश होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही, इसकी रोशनी में फ़िलहाल हमें बताइए कि हमारे लिए एक तो वैसे ओवरऑल मैं चाह रहा हूँ अपना मुफस्सिल व्यू दें कि ये जो एक्सपेंशन हो रही है जंग की ईरान का, वहाँ पे मिज़ाइलों का हमला, इसकी क्या अहमियत है? पहले तो एक मैं अफसोस का इजहार कर दूँ आपको मैं कि पूरा सियासी और जियोपॉलिटिकल मंजरनामा हमारे इर्द गिर्द तब्दील हो रहा है इस वक्त, और छोटी मोटी पेटी चीज़ों में फंसे हुए हैं, और जो बिग पिक्चर है उसका हमें कोई एहसास भी नहीं। तो ये एक अफसोसनाक पहलू है, और इसीलिए हम मुल्क इस हालत में है कि हमारी तरजीहात गलत हैं। तो ये तो बात होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि ये ईरान को जिस तरह सदाम को ट्रैप किया था, ये करना चाहते हैं ट्रैप, इनका पुराना प्लान भी है इसराइल, और याद रखें कि इसराइल अकेला नहीं है, इसराइल अमेरिका गठजोड़ मुकम्मल तौर पर है। बी वेरी क्लियर, इस वक्त इसराइल जो है वो अमेरिका का पिट्ठू है, दुमछला है, इसराइल का फ्रंटमैन है, ये पीछे अमेरिका बाजार है। बी वेरी क्लियर, देखे ना पिछले एक साल में 20 अरब डॉलर उन्होंने असला दिया है, 12 बिलियन पहले दिया था और पिछले हफ्ते 8 बिलियन डॉलर्स दिया है, सारा वो ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। और वैसे भी उन्होंने मान लिया है कि जो ईरानी मिसाइल आए थे उसको रोकने में यूएस नेवी के इंटरसेप्टर्स, वो यूएसएस फोर्ड, यूएसएस आइजनर जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे चल पड़े थे, तो वो उनकी पूरी इस वक्त मिली भगत है, इकट्ठे ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, ये अकेला नहीं है वो सारा। और ये जो कहते हैं ना इसराइल का पता नहीं है, इस वक्त बाइडन वगैरह मैटर नहीं करता, बाइडन और कामला वगैरह दे डोंट मैटर, इट्स अमेरिकन डीप स्टेट, अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो अमेरिका को चला रही है। बाइडेन को भी सॉफ्ट कू से निकाला है उन्होंने, ये बी वेरी क्लियर, बाइडेन तो जाना नहीं चाह रहा था, उसको सॉफ्ट कू किसने किया? अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ने और डेमोक्रेटिक पार्टी ने, क्योंकि वो समझते थे कि अगर ट्रंप को रोकना है तो बाइडेन ये काम नहीं कर सकता, तो कमला को लॉन्च कर दिया जाए। और देखे ना ये तो एक हो गया कि एक मुल्क खड़ा हो गया है, हमास खड़े हो गए हैं, हिजबुल्ला खड़ा हो गया है, लेकिन जो इतनी बड़ी रियासतें हैं, इतने उनके पास पैसा है, उनके पास असला भी है, लेकिन उनमें जान नहीं है, हिम्मत नहीं है, और वो बस यरके हुए हाथ मलते रहते हैं। तुर्की का बयान आया है, वो भी जरा फुसफुसा आया है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कल वो अनवर इब्राहिम की एक स्पीच भी है, द प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के आए हैं, मैं भी जाऊँगा उधर, नस्ट में है, उनको डिग्री मिल रही है पीएचडी की, वो शायद कोई दबंग बात करें, उनमें हिम्मत है, वो ही इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, लेकिन ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड ने बहुत डिसअपॉइंट किया, डरे हुए हैं, यरके हुए हैं, बिल्कुल।